नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम मनीषा है और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और हमारी वीडियोज का आनंद भी आप ऑफकोर्स लेते रहेंगे। और आज हम हाजिर हैं बहुत डिफरेंट लोकेशन पे, हम आज आपको लेके आए हैं, चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर आए हैं। आज हम आए हैं हरिद्वार में, हर की पौड़ी हरिद्वार में हम आपको आज लेकर आए हैं। जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, मेरे बैक साइड पे बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल से अपार्टमेंट्स यहाँ पे रेडी हो रखे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए हम अपार्टमेंट्स की बात बाद में करते हैं, 2 BHK 3 BHK हम क्या आपको दिखाने वाले हैं उन सब चीज़ों की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा आनंददायक जगह को दिखाने के लिए। बहुत पीसफुल जगह है, मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। इस तरफ को देखिए, एक बार आपके अपार्टमेंट के डायरेक्ट सामने ही बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको। तो ये देखिए, ये नदी के किनारे आपका अपार्टमेंट रहने वाला है। तो कैसा लगेगा कल को अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आपकी रोज़ की लाइफ से 8 to 9 वाली जॉब को छोड़ के यहाँ पे आके थोड़ा अगर आप रिलैक्स करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगेगा। कौन जीना चाहेगा वैसी ज़िंदगी? उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ आके बैठ के अपने साथ और इस जगह के साथ कुछ वक्त बिताएं तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि किसको पसंद नहीं है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, दूर आके बस अपने साथ रहना और इन वादियों में खो जाना। आसपास देखिए, बिल्कुल नदी के किनारे आपको ये अपार्टमेंट्स हम दिखाने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने अभी अभी नदी देखी, तो नदी देखते ही आपके दिमाग में आई एम श्योर एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर इस पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ ही देर में मिस्टर सुरेंद्र सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अगर कल को पानी का लेवल ऊपर आता है या कुछ भी, जो भी आपके सवाल हैं मैं उन लोग सर से पूछूंगी, आपके सवाल मेरे थ्रू मैं सर से पूछूंगी, आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि ये जो पानी का लेवल है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है बट उसके बावजूद भी पानी का जो लेवल है बहुत नीचे है और पानी इतना ज़्यादा बह रहा है, अभी काफ़ी स्पीड में पानी बह रहा है। यूजली नहीं होता है इतना पानी सेटल रहता है बट अभी के लिए बारिश हो रही है इसीलिए पानी बहुत स्पीड में निकल रहा है और पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो चुका है बट इससे ज़्यादा अप नहीं होने वाला है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी हम मिस्टर सुरेंद्र सर से जानेंगे आगे के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात ही कर रही थी मिस्टर सुरेंद्र सर के बारे में, अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी हमारी वीडियो में और उनसे हम बातें करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में, हमारे हैरी दत्त चैनल पे, हमारे व्यूअर्स से। तो कैसे हैं सर आज आप? मैं बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। तो सर से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ की जो कनेक्टिविटी है तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए पहले। एक्चुअली ये लोकेशन आती है हरिद्वार में, हरिद्वार से टूवर्ड्स जब हम नजीबाबाद हाईवे की तरफ जाते हैं, जो आपका बरेली है, हल्द्वानी है, इसकी तरफ नैनीताल की तरफ जो हाईवे जा रहा है NH 72, ये लोकेशन पड़ती है उस पर। ये आपका लोकेशन हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर गंगा जी के किनारे पे है, ये जगह का नाम है गाजी वाली। तो ये एमरल्ड रिवेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है, ETS ग्रुप का प्रोजेक्ट है और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो सर ने हमें कनेक्टिविटी के बारे में तो बता ही दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि हम रिवर के किनारे हैं, तो रिवर के किनारे हमारा प्रोजेक्ट है, तो अब मैं सबसे पहले आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो मैं सर से पूछती हूँ कि सर, अगर कल को जो ये पानी का लेवल है वो अभी तो फ़िलहाल नीचे है, तो क्या कोई हाई रिस्क है कि पानी का लेवल ऊपर भी आएगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए, जब पानी का हरिद्वार जब आता है, हरिद्वार के जो लोकेशन है वो मैदानी इलाके की लोकेशन है। अब इससे पहले की अगर हम बात करें, जहाँ से गंगा जी आती हैं, जैसे गंगोत्री का हुआ या कहीं का भी जो पानी जो सारा आता है गंगा जी में, तो सबसे पहले टीरी बांध आता है,
जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो पानी को पूरा कंट्रोल करके रखता है सबसे पहले। उसके बाद ऋषिकेश आ जाता है, ऋषिकेश में बैराज बना हुआ है, कुछ पानी वो कंट्रोल करता है। उसके बाद जब हम हरिद्वार में आते हैं तो आपने देखा होगा हर की पौड़ी के सामने VIP घाट है, VIP घाट के बिल्कुल अपोजिट बैराज बना हुआ है, बैराज से भी पानी को डाइवर्ट किया हुआ है, वो भी पानी को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए हर की पौड़ी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, एक दो नहर और हैं वो भी उसमें से निकलती हैं, तो जो मतलब पानी का डाइवर्जन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है बिल्कुल। और यहाँ पे आप गंगा जी को अगर देखेंगे, गंगा जी की चौड़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो गंगा जी की चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ पे, और दूसरा चौड़ाई ज़्यादा होने के बाद मैदानी इलाका आ जाता है, तो पानी का जो फ्लो है वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, तो कहीं से दूर दूर तक भी चांसेस नहीं है आपके कि ऊपर तक पानी आए। हम करीब पानी से 30 फीट ऊपर हैं, 30 फीट के आसपास, और पानी की चौड़ाई आप देखेंगे गंगा जी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो पीछे अगर 4 से 5 फीट पानी अगर फ्लो में बढ़ता है तो यहाँ पे उसका 1 से 1.5 फीट का मुश्किल से इफेक्ट पड़ता है। तो ऊपर आने का या वो चीज़ होने का, एक मैं बोलूं कि पानी ऊपर आए या ऐसा कुछ हो, तो वो दूर दूर तक नहीं है। तो सर ने बहुत हमें अच्छा बताया, आप लोगों को आई एम श्योर आंसर्स मिल गए होंगे कि अगर नदी के किनारे हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें हमें क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या रिस्क नहीं हैं, तो उसके आंसर्स आपको आई एम श्योर मिल गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर से होने वाला है कि सर यहाँ पे हरिद्वार में और भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे क्यों प्रेफर करें, इसका मुझे जवाब आपसे चाहिए। एक्चुअली देखिए, जो प्रोजेक्ट आप हरिद्वार में देखेंगे वो एक प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एक कॉमन प्रोजेक्ट होते हैं, एक आम प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गए, आम मतलब आम एमिनिटीज़ हैं आपके, मतलब एक अलग प्रोजेक्ट हो गए। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट अपने आप को डिफरेंट बनाता है, जो इस प्रोजेक्ट की जो मेन USP है वो है गंगा जी, कि गंगा जी के किनारे पे है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो गंगा जी के किनारे पे हो, ये सिंगल एंड ऐसा प्रोजेक्ट है जो गंगा जी के किनारे पे है। इस प्रोजेक्ट के अपने कैंपस के अपना एक पर्सनल घाट भी बन रहा है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे भी, जो इसका अपना पर्सनल घाट है, जो मतलब कैंपस के लोगों के लिए ही है पर्सनल, ये नहीं है कि मतलब आम लोग या इस तरह, वो पर्सनल रहेगा। मतलब इसमें एमिनिटीज़ अलग हैं, जैसे आपका मेडिटेशन और योगा के लिए इंडोर आउटडोर अलग अलग से रखा हुआ स्पेस हमने, ओपन कॉफ़ी कैफेटेरिया रखा हुआ है, क्लब हाउस के अंदर आपका रेस्टोरेंट रहेगा, रेस्टोरेंट को क्या किया हुआ है, हर एक फ्लैट के साथ इंटरकॉम के थ्रू उसको जोड़ा हुआ है। जो आप जैसे एक रिज़ोर्ट में, एक लग्जरी एक रिज़ोर्ट में जाते हैं तो हर एक रूम में ये होता है कि आपने फूड ऑर्डर किया और आपकी डिलीवरी होगी, लाइक उसी तरह से एमिनिटीज़ को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, तो इसलिए प्रोजेक्ट अपने आप को अलग बनाते हैं। तो सर ने हमें काफ़ी अच्छा इस चीज़ का जवाब दिया कि यहाँ पे लोग क्यों प्रेफर करें, उस चीज़ का जवाब भी आपको आई एम श्योर मिल गया होगा। तो जो मेरा अगला सवाल रहने वाला है वो दोस्तों ये है कि सर से मैं आप जानती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रोजेक्ट है वो RERA अप्रूव्ड है, और जो लोन है, लोन की फैसिलिटी क्या रहने वाली है, तो वो सर से जान लेते हैं एक बार। एक्चुअली ये पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा है HRDA से अप्रूव्ड है, यहाँ पे जैसे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उससे पूरा हमने पास कराया हुआ है। RERA में रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, RERA में रजिस्टर्ड है, और उसके साथ साथ इसमें बैंक फाइनेंस भी है, 70-90% इसमें बैंक फाइनेंस कर रहा है क्लाइंट को, और बैंक को भी हमने नेशनलाइज बैंक को, जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक है, नैनीताल बैंक है, कैनरा बैंक है, ये सब इसमें फाइनेंस भी कर रहे हैं 70-90%। वो डिपेंड करता है क्लाइंट की एलिजिबिलिटी के ऊपर, 70 करे 90 करे, तो 70-90% इसमें बैंक फाइनेंस भी है। तो अब बढ़ते हैं एक और आखिरी सवाल पे, जो है हमारा यहाँ की एमिनिटीज़ वो कैसी हैं, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और क्या क्या हमको आगे चल के जो जो प्लस पॉइंट है वो मिलने वाले हैं, तो वो हम सर से जानते हैं एक आखिरी सवाल। एमिनिटीज़ के लिए जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें होती हैं जैसे कि मतलब गेटेड सोसाइटी है, 24 आवर्स इसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, पावर बैकअप हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपका CCTV कैमरे हो गए, ये सब मतलब सारी चीज़ें हो गई इसमें। इसके साथ साथ इसके अंदर जैसे क्लब हाउस है, क्लब हाउस में आपका स्विमिंग पूल है, जिम है, इंडोर आउटडोर आपका मेडिटेशन और योगा के लिए हो गया, और आपका इंटरकॉम सिस्टम जो मैंने बताया, जो गार्ड रूम के साथ कनेक्ट रहेगा, वो एक आम चीज़ रहती है, हर एक सोसाइटी में रहती है, तो हमने वो इंटरकॉम सिस्टम हमारे क्लब हाउस के रेस्टोरेंट से भी कनेक्ट किया है। इसमें आउटडोर में भी आपका मेडिटेशन और योगा के लिए है, इंडोर में भी है, एक आउटडोर में हमने एक MP3 थिएटर भी रखा हुआ है, जो मतलब 20-25 लोगों की बैठने की सिटिंग एरिया के साथ साथ रहेगा, जिसमें आपका गंगा व्यू भी रहेगा और आपका एक लाइव टेलीकास्ट
लाइक कुछ भी है वो चलता रहेगा उसमें। और मतलब पर्सनल घाट हो गए, पार्क हैं जो मतलब इसमें करीब करीब मैं कहूँगा 25 और 30 समथिंग इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क है, 70 प्लस इसमें ग्रीन एरिया पूरा जो आपका पार्किंग में है, ग्रीन में है, रोड में है, 70% एरिया टोटल इसका। इसमें आपकी हर एक फ्लैट के साथ आपकी पार्किंग है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी फ्लैट्स हैं हमारे, चाहे 1 BHK हैं, 2 BHK हैं, 3 BHK हैं, ये भी सभी फ्लैट्स हमारे फुली फर्निश्ड फ्लैट हैं। इनमें मतलब आपका AC, TV, डबल बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, गीज़र, RO, ये मतलब बेडशीट हैं, मैट्रस हैं, कर्टेंस हैं, सोफ़ा है, ये सब मतलब फर्निश करके दे रहे हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, सभी में फर्निश्ड फ्लैट है। तो आप लोगों ने सुना, मैंने भी बहुत सुना और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ये प्रोजेक्ट। जितना जितना मैं सर से जानती जा रही हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आपको भी लग रहा होगा अच्छा उतना ही। तो दोस्तों, सर से मेरे सवाल और जवाब सब ख़त्म हो चुके हैं और मेरे को जितना तक लग रहा है कि जो आपके सवाल हो सकते हैं ये वीडियो देख कर, वो सारे सवाल मैंने सर से पूछ लिए हैं, चाहे नदी का हो, चाहे रेरा का हो, चाहे जो हमारी एमिनिटीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं सब सर से पूछ चुकी हूँ और उनके जवाब सर ने दिए हैं और आपको भी जवाब मिल चुके होंगे। और अगर आपका कोई और सवाल भी है जो मैंने पूछा ना हो सर से, तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, उनके जवाब हम आपको कमेंट्स में आके देंगे ज़रूर, पक्का पक्का। तो अभी जैसा कि आप जानते ही हैं कि लास्ट ईयर हम आए थे और लास्ट टाइम हमने 1 BHK एंड 2 BHK देखा था, तो इस बार हमें आप सर 3 BHK दिखाने वाले हैं। 3 BHK में चलते हैं। ठीक है, इस बार सर हमको 3 BHK दिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ से मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ, सर आज का प्रोजेक्ट सारा गाइड करने वाले हैं आगे का। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये सभी 3 BHK हैं। फ्रंट साइड हमने पूरा 3 BHK रखा हुआ है। ये ग्राउंड एंड फर्स्ट 2 फ्लोर के हैं। एक फ्लोर पे इसके 2 फ्लैट है, हर ब्लॉक की अपनी अलग अलग एंट्री है। एक फ्लोर पे 2 हैं और फर्स्ट फ्लोर पे फिर 2 हैं, तो हर टावर में 4 फ्लैट हैं इसमें। फ्रंट पे जितने भी देखेंगे आप, पूरा का पूरा 3 BHK है। और इसके सामने पूरी पार्क की बेल्ट है, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, मेडिटेशन का, योगा का, ओपन थिएटर, वो सब इसके अंदर है। लास्ट तक देखेंगे इसमें, जैसे पार्क में साथ साथ आपने देखा, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मेडिटेशन और योगा के लिए, ये प्लेटफॉर्म है। इससे नेक्स्ट आगे जाएंगे तो घाट आ जाएगा। घाट में आपको अभी आगे घाट दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देख रहे हैं, ये आपका इस कैंपस का जो है ये पर्सनल घाट रहेगा। इस पर जैसे मतलब आप स्नान कर सकते हैं, पर्सनल घाट रहेगा ये इसका। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये जो पार्क का एरिया, पार्क के एरिया के साथ साथ ये एक ट्रैक बना हुआ है जो आपका एक 200 मीटर का वॉकिंग ट्रैक है गंगा जी के साथ साथ। मतलब एक साइड आपको गंगा जी दिखाई दे रही है और एक साइड आपको ग्रीनरी दिखाई देगी जो प्रोजेक्ट का पार्ट है, पार्क है जो, और बीच में आपको वॉकिंग ट्रैक मिल रहा है 200 मीटर का। ट्रैक के साथ साथ ये ट्रैक लग रहा है, ट्रैक के राइट साइड में अगर आप देखें, लेफ्ट साइड में मेरे, तो गंगा जी के साथ साथ हमने रेलिंग लगा रहे हैं जो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें जो वायर्स होती हैं वो रहेगी ताकि आपकी विजिबिलिटी भी बनी रहे गंगा जी की साइड में, आपको व्यू भी मिले और आपका सेफ्टी वो पॉइंट व्यू से भी आपका पूरी प्रोटेक्शन रहे आपकी। अब हम आ गए हैं 3 BHK में। एक्चुअल में हम 3 BHK के एक मेन एंट्रेंस पे हैं, मेन डोर पे। ये एक्चुअल फ्लैट है जो हम दे रहे हैं। ये सभी फ्लैट जो हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, फुली फर्निश्ड फ्लैट हैं ये सभी। जैसे कि मेन जब हम एंट्रेंस करते हैं, मेन गेट के हम जब इधर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें किचन स्पेस दिया हुआ है। किचन के अंदर इसमें पूरा ये शेंक एरिया रहेगा, इसमें फ्रिज रहेगा, हॉब है, चिमनी रहेगी इसमें, ये पूरा काउंटर रहेगा, पूरी मॉडुलर किचन है इसमें। और सामने आप देखेंगे पूरा किचन के अंदर भी रिवर व्यू दिया हुआ है इसका। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा रिवर व्यू दिखेगा आपको। सामने पार्क है, पार्क के बाद पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरी गंगा जी दिखाई देती हैं। जब आप इधर आते हैं आप देखेंगे आपका लिविंग एरिया आ जाएगा, जिसमें आपको 3 सीटर सोफ़ा है साथ में, विद इसमें 2 चेयर्स रहेंगी, AC है, फैंसी इसमें लाइट्स फिटिंग है। पूरे में आप देखेंगे 4 सीलिंग की हुई है, डिज़ाइनर्स लाइट्स फिटिंग है, कर्टेंस हैं, कारपेट्स हैं। और इसके साथ साथ लिविंग रूम का जो TV दिया हुआ है वो आपका 43 इंच का TV रहेगा। इसमें आपके L शेप में लिविंग रूम में ही हमने पूरे के पूरे कर्टेंस दिए हुए। L शेप की विंडो है इसमें। जैसे ही आप ये कर्टेंस हटाते हैं तो यहाँ से भी आपका पूरा रिवर व्यू रहता है।
आपको सामने पार्क दिखाई देगा, पार्क के बाद आपको गंगा जी दिखाई देंगे। ये मैं अगर ये पूरा का पूरा कर्टेन हटा दूँ तो पूरी एल शेप में ये विंडो दी हुई है। ये जो विंडो दी हुई है UPVC दी हुई है और इसमें टफन ग्लास है साथ में। विंडो की एक्चुअली ये मेंटेनेंस फ्री होता है, जब बारिश होती है या कुछ भी होता है तो इसमें सीप्रेस का सीलन की वो समस्याएं नहीं होती, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया हुआ है विंडो को लेके या गेट्स को लेके। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। ये इसका फर्स्ट है बेडरूम है और ये इसका मास्टर बेडरूम भी है। इसका मास्टर बेडरूम इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें आगे पूरा आपका रिवर फ्रंट है। आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इसमें आगे ग्लास दिया हुआ है। इसमें आधा फिक्स है, आधा पर स्लाइडर है। आपकी पर्सनल बालकनी है, आप इसे ओपन करके बाहर भी जा सकते हैं। इसमें आपका डबल बेड है, मैट्रस है, फैंसी लाइट्स हैं, POP है, फोर सीलिंग का काम है, कर्टेन्स हैं, कारपेट्स हैं। इसमें 32 इंच का इसमें TV भी दिया हुआ है। इसके साथ जो टॉयलेट्स है वो टॉयलेट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इसका ये जो आप देखेंगे इसमें पूरा एक रैक दिया हुआ है जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं, टॉवल्स रख सकते हैं या कुछ और भी सामान रख सकते हैं। इसके साथ आएंगे ये आपका पूरा वाशबेसिन दिया हुआ है। इसमें वाशबेसिन और बाथरूम एक्सेसरीज में अगर आप देखेंगे तो हमने जो प्रीमियम जैक्वार होता है बाथरूम एसेसरी हर एक फ्लैट में 3 BHK के हर एक फ्लैट में प्रीमियम जैक्वार को यूज़ किया हुआ है, चाहे वो आपका वोलिंग शीट है, चाहे आपकी शावर एरिया है, पूरा जैक्वार है। तो इसका बाथरूम साइज काफ़ी बड़ा है। ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। इसके बाद हम लिविंग रूम में से होते हुए आगे जाते हैं, ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाएगा। सेकेंड बेडरूम सेम थिंग, इसमें डबल बेड, मैट्रस, कर्टेन्स, AC, TV, वार्डरोब, एक इसमें चेयर दी हुई है, साथ में एक स्टडी टेबल भी दी हुई है। इसमें साथ साथ एक वार्डरोब भी रहेगी आपकी, मैं ओपन करके थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको। ये वार्डरोब रहेगी पूरी इसके अंदर। इसके साथ भी आप देखेंगे तो अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ है। टॉयलेट्स में आपका सामने ही आप देखेंगे आपका वाशबेसिन आ जाता है, मिरर है ऊपर, उसके ऊपर डिजाइनिंग लाइट्स फिटिंग्स हैं। इसमें पूरे में ऊपर फोर सीलिंग की हुई है और फिटिंग्स दी हुई हैं। ये आपका पोर्ट एरिया, शावर एरिया, ये ऊपर फोर सीलिंग में ही आपका शावर एरिया भी दिया हुआ है इसमें। तो ये आपका सेकंड बेडरूम का अटैच टॉयलेट हो जाता है। ये सेकंड बेडरूम हो गया। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड बेडरूम में। सेम इसमें भी आपका डबल बेड, मैट्रस, कर्टेन्स, इसमें भी आपको एक स्टडी टेबल और विथ चेयर मिल रही है। इधर की तरफ इसमें एक 32 इंच का आपको TV मिल रहा है, जैसा कि हर एक बेडरूम में 32 इंच का TV है। लिविंग रूम में आपने देखा था 43 इंच का TV था। इसके साथ साथ इसमें भी वार्डरोब दी हुई है। ऊपर इसमें भी आप देखेंगे पूरा फोर सीलिंग का काम किया हुआ है, लाइट्स फिटिंग्स सारी डिजाइनिंग लाइट्स फिटिंग की हुई हैं और आपका डिज़ाइनर इसमें फैंस दिए हुए हैं सारे के सारे। इसमें अगर आप देखेंगे इधर बालकनी दी हुई है, इसमें भी आपका रिवर व्यू आ जाएगा पूरी। ये भी ग्लास की है, अगर आप देखना चाहें तो ये बालकनी में निकल के ये आपका रिवर व्यू आ जाएगा। पार्क है, पार्क के बाद आपको रिवर व्यू दिखाई देगा। इसके साथ भी अटैच टॉयलेट रहेगा सर। सामने वाशबेसिन देख रहे हैं आप, इसमें भी पोर्ट एरिया और शावर एरिया को अलग से, इसको अलग से सेपरेटली किया हुआ ग्लास के थ्रू। तीन आपके रूम हो गए, तीनों में आपको मिला है इसमें अटैच टॉयलेट दिया हुआ है तीनों रूम के अंदर। ये आपने देखे हमारे एक 3 BHK फ्लैट के, जो 3 BHK फ्लैट हमारा 1500 स्क्वायर फीट में है, इसमें आपने देखा तीनों बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। इसमें फिर से हम अपने लिविंग रूम में आ गए हैं। इसमें आप देखेंगे सोफे के साथ सेंटर टेबल है। एक्चुअली इस पूरे फ्लैट्स को एक हेरिटेज लुक दी गई है। इसकी लाइट्स फिटिंग्स आप देखेंगे, इसकी डिजाइनिंग जो लाइट्स देखेंगे आप, तो वो हेरिटेज लुक है पूरे की। आप इसकी वॉल पे जो डिजाइनिंग की हुई है, लाइट्स देखेंगे,
आप इसकी सोफे की सेंटर टेबल्स देखेंगे, इवन आप इसके अगर स्विच सॉकेट्स भी देखेंगे तो एक आपको ओल्ड लगेंगे, पर ये अब एक एंटिक हो गए हैं, तो ये एंटिक उसमें आ गए हैं, तो पूरे फ्लैट्स को जो है एक हेरिटेज लुक दी गई है। तो आई होप आपको हमारा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है तो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसमें विजिट्स प्लान कर सकते हैं। ये लोकेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, हरिद्वार में टूवर्स नजीबाबाद हाईवे गाजीवाली में पड़ती है, जो गंगा जी के किनारे पे है, तो आप जल्दी ही इसमें विजिट कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शंस हैं बहुत ही रेयर और बहुत ही लिमिटेड बचे हुए हैं सर, तो कृपया अगर आपको देखना है तो जल्दी से आप इसको विजिट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।